नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन किया था, लेकिन उन 5ों समन्स का अरविंद केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसमें पेश हुए। तो अब ईडी ने इन समन के अगला समन नहीं भेजा है, यानी कि 6वां समन नहीं भेजा है, बल्कि खुद अब कोर्ट का दरवाज़ा ईडी ने खटखटाया और अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को खुद हाजिर होने के लिए कहा है। यानी कि जब 5 समन के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जो है ईडी के दफ्तर में हाजिर नहीं हो पाए थे, उनका जवाब देने के लिए नहीं पहुंचे थे, तो फिर ईडी ने सीधे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और फिर उसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा है, ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। और इस मामले में आम आदमी पार्टी की ओर से बयान जारी किया गया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको पढ़ा जाएगा और उसका अध्ययन करने के बाद ही कानून के मुताबिक कदम उठाया जाएगा। कोर्ट को बताएंगे कि ईडी का जो समन है वो किस तरीके से गैर कानूनी है। यानी कि आम आदमी पार्टी ये इस वक्त ये कोशिश कर रही है ये बताने की कि ईडी के जितने भी समन अरविंद केजरीवाल को आए थे वो समन सारे के सारे गैर कानूनी थे और इस मामले में अब जो है आगे आम आदमी पार्टी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में लिकर पॉलिसी स्कैम को लेकर के, लिकर पॉलिसी जो कथित तौर पर शराब घोटाला हुआ था उसको लेकर के ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल से शराब के मामले में जो है वो सवाल पूछना चाहती है। ये असल में बात क्या है कि इस घोटाले की जो कहानी है वो कुछ यूं है कि दिल्ली में जब नई शराब नीति बनी थी तो उसमें लाइसेंसिंग जब हो रही थी, लाइसेंस दिए जा रहे थे, तो उसमें से कुछ खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है इस कुछ खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। दरअसल न्यू एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जो 5 समन भेजे थे वो आप नेता ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया और इसके बाद जो है वो कोर्ट का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और अब इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के लिए जगह अरविंद केजरीवाल को जो है हाजिर होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में शराब घोटाला जो मामला है उसमें अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि 2021 और 22 की जो आबकारी नीति है उसमें शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए कुछ कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाया गया था, उन कारोबारियों को जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी जो है वो इन आरोपों का लगातार खंडन करती आई है और ईडी के समन को गैरकानूनी बताते आई है। तो अब इस मामले में फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जो है हाजिर होने के लिए सीधे तौर पर कोर्ट ने आदेश दे दिया है। तो और इसके बाद से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि आगे की जो है वो कार्रवाई करेंगे। तो अब अरविंद केजरीवाल क्या कदम उठाएंगे ये एक अहम सवाल है। लेकिन इस मामले में आपको बता दें कि ईडी के जो 5 समन है इससे पहले सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल से सवाल कर चुकी है। 16 अप्रैल 2023 को सीबीआई ने जो है अरविंद केजरीवाल से सवाल किए थे जिसमें कि सीबीआई ने 56 सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल से किए थे। और अब इस मामले में ये जो बड़ी खबर है ये सबके सामने है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन के बावजूद अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि वो अब इन सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हों। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।